अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जाहिद है और मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ पीएफ हॉस्पिटल इस्लामाबाद में। आज एक शॉर्ट सी टॉक का मकसद जो अपकमिंग आने वाली बकरा ईद है उसके हवाले से है। जैसा कि हमारे जो गुर्दे के पेशेंट हैं उनको मालूम है कि हमने उनको हमेशा एक डाइटरी प्लान दिया होता है जिसको वो फॉलो करते हैं, जैसे जिसमें प्रोटीन का इनटेक, नमक का इनटेक बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितने भी गुर्दे के पेशेंट हैं जिनको दायमी गुर्दे के अमराज हैं या क्रोनिक किडनी डिजीज़ जिसको हम कहते हैं, उनमें प्रोटीन इनटेक को लिमिट किया जाता है। नॉर्मली उसको बंद नहीं किया जाता, उसको लिमिट किया जाता है। लिमिट करने का मकसद ऑब्वियसली उनकी डिजीज़ प्रोग्रेशन को रोकना होता है। बकरा ईद पे चूँकि गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, घर में मुख्तलिफ किस्म के खाने बनते हैं, उनमें नमक का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो ऐसे में गुर्दे के पेशेंट्स को क्या करना चाहिए? तो जितने भी हमारे किडनी पेशेंट्स हैं उनके लिए ये हदायत है कि वो इस बकरा ईद पे अपना जो प्रोटीन इनटेक है उसको रूटीन के मुताबिक लिमिटेड ही रखें, एक्स्ट्रा प्रोटीन ना लें। बीफ का इस्तेमाल कम रखें क्योंकि उसमें फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। चिकन और मटन जितना उनको एडवाइस किया गया है पहले ही जो रिस्ट्रिक्शन है उनकी उसको फॉलो करें, और जो अपने खाने हैं उनमें चटपटे खाने जिसमें बहुत ज़्यादा नमक और स्पाइसेस इस्तेमाल की गई हों उनको कम से कम रखें ताकि वो इस ईद पे बेहतर तरीके से रहें और किसी किस्म की एमरजेंसी का शिकार ना हो। बहुत शुक्रिया।